देख रहे हैं जेटीवी न्यूज। बुलंदशहर से खुर्जा तहसील के गांव खबरा में अरविंद के परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। आज अरविंद के परिवार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। अरविंद के पिता का कहना है कि मुझे नहीं पूरे क्षेत्र को बहुत गर्व है कि आज हमारे क्षेत्र का लाल भारत के लिए तरफ से टोक्यो में होने वाले ओलंपिक गेम के लिए रोइंग गेम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अरविंद के पिता का कहना है, मुझे बहुत खुशी हो रहा है और उम्मीद करता हूं कि मेरा बेटा अरविंद भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। पीसी बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की ये खास रिपोर्ट। पुनीत सोलंकी, पुनीत ये बताइए, अरविंद ने आपके साथ में बचपन गुजारा है, कुछ अरविंद के बारे में बताइए। अरविंद जिस तरीके से टोक्यो में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। जी, अरविंद हमारे साथ क्रिकेट खेला करता था, हमारे से बड़ा था। अरविंद हमारा बड़ा भाई है। अरविंद ने 2013 में उनके बड़े भाई ने आर्मी ज्वाइन की थी, रुड़की सेंटर था उनका। उन्होंने यानी कि खेती बाड़ी करते थे पिताजी के साथ अपने, और यहाँ पे ज़्यादा क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौकीन थे वो। ड्रॉइंग के उनको कुछ पता ही नहीं था, और उसके बाद वो आर्मी के लिए ज़्यादा प्रेरित थे, तो आप भाग दौड़ करते रहते थे यहाँ पे। और उन्होंने 2015 में रिलेशन से आर्मी ज्वाइन की, और वहाँ पे जाने के बाद रुड़की सेंटर में अफसरों ने उनको हाइट को देख के, अच्छी लंबाई यानी कि उनका वेट वो देख के शरीर का वो, तो उन्होंने उसको प्रेरित किया और उन्होंने रोइंग के लिए उनको गेम के लिए उन्होंने अच्छा वो किया। तो किस तरह का अब जब टोक्यो की क्या उम्मीदें हैं आपको? हमारे को गोल्ड मेडल की उम्मीद है। देखो, आज उन्होंने अपने माता पिता का, भाई का, सभी का उन्होंने नाम रोशन किया है, और गाँव का सबसे बड़ी खुशी है कि उन्होंने गाँव का नाम रोशन, आज उन्होंने पूरे वर्ल्ड में हमारे गाँव का नाम रोशन किया है, और आज हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि वो गोल्ड मेडल लेके आएंगे। क्या नाम है आपका? कालीचरण सोलंकी। ये अरविंद सोलंकी जो है, ये आपकी कौन है? मेरा भाई है, सगे चाचा है, चाचा का लड़का है। हाँ। छोटा मुझसे एक साल। हाँ। ये टोक्यो में खेलने जा रहे हैं ओलंपिक में, रोइंग का गेम्स है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस बहुत अच्छा कर रहे हैं, टोक्यो में वो खेलने जा रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या है कि हमारा सगा छोटा भाई मतलब ओलंपिक में खेल के आए, तो बहुत खुशी है इस चीज़ की। जैसा कि बचपन से आप साथ में पढ़े हैं, लिखे हैं, खेले हैं, कूदे हैं, तो कैसी एक्टिविटीज़ रही हैं इनकी हमेशा से बचपन से? एक्टिविटीज़ तो इसकी शुरू से ही ऐसी रही हैं कि हर किसी काम को, कोई भी काम सही, गेम हो, भर्ती होना हो, शुरू से ही कोई भी काम सही, हर किसी काम को करने की इसमें शिद्दत है। हर शुरू से ही कोई भी काम इसे दे दो, उस काम को बखूबी निभाता है करने में। आर्मी कब ज्वाइन करी थी इन्होंने? आर्मी 2016 में ज्वाइन करी थी। बड़े भाई हैं हरकेश, वो भर्ती हुए थे 2013 में, उनके रिलेशन से 2016 में भर्ती हुए थे, रिलेशन से रुड़की के अंदर। भर्ती होने के बाद में इनकी लंबाई के देखते हुए, 6'2" लंबाई है इनकी, उसके देखते हुए इन्हें रोइंग में यानी रोइंग में ले लिया गया, जिसमें कि 6'2" लंबाई से ऊपर ही चाहिए। तो अच्छा, इन्हें खेल जगत में और भी बहुत सारे खेल हैं, तो रोइंग की प्रेरणा कहाँ से मिली थी इन्हें? रोइंग की विषय में कुछ नहीं जानते थे शुरू से, हम भी नहीं जानते थे। हमें भी एक साल के बाद ये पता पड़ा था कि रोइंग पीछे को चलती है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया रुड़की के अंदर, दो गोल्ड मेडल जीते थे रुड़की के अंदर। एक दिन ऐसे ही छुट्टी आया, छुट्टी में हमने वीडियो देखी, जब हमें ये पता पड़ा कि हाँ ये उल्टी चलती है रोइंग, हमें खुद पता नहीं थी रोइंग क्या चीज़ है। बस इसे वहीं पे ही अफसरों में, जो भी आर्मी के अफसर थे, उन्होंने इसे लंबाई के बेस पर वहाँ कनेक्ट करवाया ये रोइंग गेम। जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परिवार से बात करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बात तो कैसा महसूस कर रहे हैं परिवार में, क्या माहौल है? महसूस भाई साहब, हम तो बस यही है कि हमारे तो मतलब एक 3-star 2-star कोई पुलिस वाला भी मिल जाए, हम तो उसे देख के घबराते हैं। अब उस चीज़ में ये देखें कि प्रधानमंत्री खुद हमसे बात कर रहे हैं, तो तुम खुद अंदाज़ा लगा सको, आदमी खुद अंदाज़ा लगा ले कि हमें कितनी खुशी होगी कि प्रधानमंत्री हमसे बात कर रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं टोक्यो खेलने जा रहे हैं? उम्मीद ये हैं, जब अभी तक हमने देखा है हर तरीक़ा से अरविंद सिंह हर गेम में, हर किसी में, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, हर कहीं उन्होंने निराश नहीं किया कहीं भी अरविंद ने हमें। बस यही है कि गोल्ड मेडल जीत का है अरविंद। क्या नाम है राहुल जी आपका? मेरा नाम विजय सिंह है। ये आपके लड़के ने जो टोक्यो में खेलने के लिए जा रहे हैं ओलंपिक में, हाँ जी, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, बड़े गर्व की बात है, बड़े कमाल की बात है कि मेरा लड़का ओलंपिक खेलने जा रहा है।
बड़ी खुशी की बात है मेरे परिवार को भी। किस तरह का माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया बना हुआ है, गांव मोहल्ले में या रिश्तेदार में जिला बुलंद शहर में पूरा माहौल बना हुआ है, बहुत खुशी की लहर चल रही है। जैसा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपके परिवार से बात कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, हाँ जी, तो कैसा लग रहा है आपको, कैसे परिवार में कैसा माहौल बना? भाई साहब माहौल बहुत बढ़िया बना हुआ, कल से ही हम सोच रहे हैं हमारा परिवार और हमारे यार रिश्तेदार खुशी मना रहे हैं कि मोदी जी आज हमारे घर बात करेंगे। आपको कैसे ज्ञात हुआ कि आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, किसके माध्यम से पता पड़ा था? माध्यम से मालूम पड़ रही हमें कि न्यूज़ वाले तो लगभग बताएंगे, हमें बच्चे भी बता देते हैं कि बात करेंगे मोदी जी आज। कितने बजे बात करेंगे आज मोदी जी आपसे? लगभग उम्मीद यह है कि 4 बजे से लगभग 5-6 बजे के बीच में बात करेंगे। अच्छा, अरविंद जी जो हैं, हाँ, इससे पहले कहाँ कहाँ खेल चुके हैं? ये भर्ती हुई सन 2016 में रुड़की में इन्होंने खेला, फिर उसके बाद इंडोनेशिया भी गई है, फिर पूना भी खेला, इन्होंने हर जगह रजत प्राप्त किए हैं और गोल्ड मेडल भी जीते हैं। अब इन्होंने धीरे धीरे प्रयास करते करते ये आज हमारा लड़का ओलंपिक खेलने जा रहा है, बड़े गर्व की बात है। क्या उम्मीद है? उम्मीद यह है कि हमारा लड़का गोल्ड मेडल लेकर ही आएगा, देश का नाम रोशन करेगा, बड़ी खुशी की बात है। अभी फिलहाल में कहाँ पर पोस्टिंग है आपके लड़के की आर्मी में? अब ये फिलहाल में पूना है, पूना से ये है टोक्यो जाएगा। अच्छा, हाँ, 16 तारीख के लगभग। अच्छा, ये खेल जगत में और भी बहुत सारे खेल हैं, तो आपके लड़के को कहाँ से प्रेरणा मिली कि ये रोइंग ही खेलना है? ऐसा है कि आप वहीं से रुड़की में ही ये रोइंग चलता है, हाँ, और वहीं से ये स्टार्ट हुआ, इनने अपने दिमाग से इन्होंने सोचा ही कि मैं कुछ भारत में नाम करूं और मैं करूं, तो इन्होंने पहले प्रयास में खेल चालू करना चाहा, तो पहले प्रयास में गोल्ड मेडल जीत लिया इन्होंने, तो धीरे धीरे इनका मानना बढ़ता ही गया, इतना बढ़ता गया कि आज यहाँ तक पहुँच गया ये।